हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ, इस बार काफ़ी खुशी के साथ, क्योंकि दोस्तों CSCA द्वारा जो भी चीज़ें करी जाती हैं, आपको पता है किसी योजना का पेमेंट टाइम से नहीं आता है, किसी भी योजना का पेमेंट टाइम से नहीं आता है। उसी को लेकर के दोस्तों थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर एक वियली भाई ने अपने आप को ऑन कैमरा ऑनलाइन जला लिया था, क्योंकि इकोनॉमिक सेंसस का पेमेंट CSC रिलीज नहीं कर रही है। ठीक है, उसी को लेकर के दोस्तों एक भाई हैं, उनके साथ पता नहीं कौन सी शायद अच्छी बात हुई। ठीक है, अच्छी बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, हुआ उनके साथ बुरा है, लेकिन अच्छी बात इस वजह से हुई है क्योंकि उनकी एक तकलीफ देखते हुए उनकी एक जो भी उनकी डिस्ट्रिक्ट टीम के द्वारा अभिषेक जी के द्वारा, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है, CSC DM है बिहार पूर्णिया के, उनके पास मतलब खाने के लिए पैसे नहीं बचे हुए हैं। उनके स्क्रीनशॉट हैं, ठीक है, जो व्हाट्सएप पर उनकी वार्तालाप हुई है, जो उन्होंने ग्रुप में ज्वाइन किया था, जो हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग अपने ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसमें जो भी अच्छे VLE होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनको नोटिस करके जो आपके डिस्ट्रिक्ट टीम के मैनेजर होते हैं वो आपको ऐड करते हैं और आप उसमें अपना काम कर सकते हैं। इनके द्वारा दोस्तों ये पूछा जा रहा था कि सर जो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कोविड वैक्सीन का, क्या उसमें कुछ हम लोग को कमीशन मिलेगा? तो इनके जो DM साहब हैं उनके द्वारा कहा गया था नहीं। ऐसे ही बातें चलती रही कि अरे सर इनके द्वारा, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा कही गई हैं, अलग अलग VLE भी इसमें बोलना शुरू कर दिए थे, सब बोलते हैं, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप उतना ही कहें जितना किसी को अभद्र या बुरा ना लगे। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट में सारे आपको दिखा दे रहा हूं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें कही गई हैं इनके द्वारा, और जो ये आपके VLE भाई हैं जिनके साथ ये बात हुई है, इनका नाम दीपक दास, ये हर जगह बोलते रहे कि भाई अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। आज इनका कहना था कि भाई आज एक महीने से ज़्यादा से काम नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 500 का ट्रांजैक्शन होगा डिजिटल सेवा पोर्टल पर, उससे ऊपर नहीं होगा। मेरा आज का डेट 100 ग्राम चावल तक नहीं है घर पर, आप ही बताइए कि हम काम करें। हमारे इधर कोरोना के चलते, अफवाह के चलते काम बंद हो गया है, आप लोग सुझाएं हम क्या करें। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति आती है तो, अच्छा ऐसी स्थिति आई क्यों है, सबसे पहली बात तो ये, अगर ये काम नहीं करते हैं मतलब ये काम नहीं करते हैं क्या, यही होगा इसका मतलब, ये काम नहीं करते होंगे। लेकिन दोस्तों अगर किसी का पेमेंट बचा होगा, ठीक है, जैसे अगर हमने आपका काम किया तो आप मुझे पैसा देंगे ना, अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? CSC के पास कौन सा ऐसा अधिकारी है जो आपको डायरेक्ट काम दे दे? शायद ऐसा कोई भी नहीं है। आपको हर एक चीज़ के लिए फील्ड पर उतरना पड़ता है, कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, काम करने के बाद में आपको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आप हर जगह कहोगे, अपनी बात को रखोगे, अगर कोई एक व्यक्ति नहीं है आपसे कहने के लिए। दोस्तों ये देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, आप ही लोग, मेरा घर में 100 ग्राम चावल तक नहीं है, काल से लगता है मजदूरी, कल से लगता है मजदूरी में ही काम करना पड़ेगा। मकई का सीजन चल रहा है, उसमें 300 से 400 तक मजदूरी मिलता है, यही काम करना बाकी है, क्योंकि आर्थिक सर्वे के काम किए और भी बहुत सारे ऐसा काम किए हैं, दोनों के आज तक पैसा नहीं आया है। आर्थिक सर्वे का करीब 40,000 आया था, उसमें हमने लड़का लोगों को काम किए थे, सभी को बांट दिया। दोस्तों ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ठीक है, इसका सबूत मैं आपको दिए दे रहा हूँ, जिससे आप ये ना कहें किसी एक व्यक्ति के लिए इतने लोग आखिर क्यों आ रहे हैं। सातवीं आर्थिक गणना के भुगतान को तरसे VLE, इससे बड़ी बात नहीं होगी भैया, VLE तरस चुका है, एक VLE भाई को अपनी जान तक देनी पड़ी, इससे अधिक बात हो नहीं सकती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दीपक दास जी के साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि जितने VLE भाई थे सबके सब, दोस्तों दीपक जी के साथ एक बहुत अच्छी बात हुई है कि जितने VLE भाई थे लगभग सबके सब, दोस्तों दीपक भाई के साथ जितने भी VLE भाई जुड़े हुए थे, पता नहीं कैसे ये खबर बाहर आई, लेकिन दोस्तों खबर बाहर आने का एक नतीजा ये हुआ है कि आज की डेट में लगभग बीते 48 घंटों में जो हमारे बड़े भाई हैं, अग्रज भाई हैं, उनके द्वारा एक ऐसा समूह बना दिया गया, ऐसा संगठन बना दिया गया है कि लगभग इसमें वॉइस चैट चल रही है 48 घंटों से लगातार। जितने भी हमारे अग्रज भाई हैं CSC से जुड़े हुए हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि अब लगभग लगभग 4500, ठीक है, 4500 के आसपास ये संख्या पहुंच चुकी है। अब दीपक जी के पास में सबका फोन आ चुका है, चाहे स्टेट मैनेजर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों पैदा करी जाती है? ठीक है दोस्तों, शायद ऐसा इसीलिए होता है
कि वियली अगर मजबूर है तभी शायद सीएससी चल रही है। एक मित्र ने मेरे ये बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब तक वियली मजबूर है तब तक ही सीएससी चल रही है, जिस दिन ऐसा खत्म हो जाएगा उस दिन ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों आज यहाँ पे कहना पड़ेगा, आपको हिम्मत लगानी पड़े, चाहे जितनी आपको मेहनत करनी पड़े, एक संगठन ऐसा जरूर मजबूत करिए कि ऐसी स्थिति ना आने पाए कि लोग बोलें कि भैया अगर आपसे कुछ बन पड़े तो कृपया करके मुझे कुछ पैसा देने की, अगर आपका मन करे तो पैसा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है। और दोस्तों अगले दिन हम ये मुहिम क्यों चला रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये कहने के बाद में इन्होंने इनको रिमूव कर दिया था। भाई अगर हक का पैसा मांगे कि आप क्या उसे निकाल देंगे ग्रुप से, ये तरीका नहीं होता है। फोन पर कई चीज़ें कही गई थी लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि उसूलों पर जहाँ आ चाहे टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप का जो लिंक है, ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ये हमारा ग्रुप चल रहा हुआ है इसमें लगभग वॉइस चैट आपकी 48 घंटे से चल रही है लगातार। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अधिक से अधिक ये यज्ञ है, ठीक है, इसमें अपनी आहुति जरूर दीजिए। ठीक है, आप जितना कर सकते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, पूरी तरीके से निःशुल्क है। ये नहीं कि आपसे आइए मेंबर बनिए, 10 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए, पुराने संगठनों की बात भूल जाइए, ये संगठन नहीं है, ये आपके संघर्ष समृद्धि बनाई गई है। ठीक है, आप इसमें आके जुड़िए। जो भी वियली चाहता है, कभी भी उसका किसी लेवल पर भी शोषण हुआ है, किसी भी योजना को प्राप्त करने के लिए उसने किसी को भी पैसा दिया है, इसमें पैसों की बात अब आप भूल जाइए। आप इसमें खुले मन से जुड़िए, खुले मन से आपके जितने भी भाई हमारे जुड़े हुए हैं सबके सब आपकी मदद करेंगे। इसमें वही बात चल रही है दोस्तों, एक के लिए सभी, सभी के लिए एक। ठीक है, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। ठीक, आपको समस्या होगी ये संगठन आपके साथ खड़ा होगा। जिस जिस भी व्यक्ति को सीएससी से समस्या है ये संगठन उसके साथ में खड़ा होगा। तो दोस्तों आखिरी में बस यही कहना चाहूँगा कि ग्रुप का लिंक का, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप इस ग्रुप में जुड़िए अधिक से अधिक। ठीक है, और दोस्तों चलते हुए सिर्फ एक बात कि सीएससी बहुत बड़ी है लेकिन उससे टकराना ज़रूरी है। ठीक है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद।